चलिए बच्चों, तो आज हम मैथ का अपने अगले क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है वो करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस तीन होंगे, इनका एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट हमने सीखा था, तो एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, पहले मैं मैट्रिक्स देता हूं, उसी में से आपको समझाता हूं। कल मैंने बात की थी कि मेन डायगनल और सेकेंडरी डायगनल क्या चीज है। 1, 2, 3, 4 ये कोई एक मैट्रिक्स है, तो इसमें देखना ये है कि आपने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। देखिए, ये एडजॉइंट फाइंड करना आप लोगों की क्लास के हद तक बहुत ही इजी है, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स है। आप यहाँ पे हमेशा 2x2 मैट्रिक्स लेंगे, यानी कि ऐसे मैट्रिक्स लेंगे जिनका आर्डर 2x2 होगा, इस तरह के मैट्रिक्स लेते हैं। 3x3 का आप एडजॉइंट निकालना अलग तरीका है, वो आप फर्स्ट ईयर में क्लास लेवल में जाकर सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स देंगे, इनका एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान होता है। तो कल हमने बात की थी, तो इस तरह के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का तरीका ये है कि ये जो एलिमेंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं, मेन डायगनल, इनको बोलेंगे मेन डायगनल के एलिमेंट है। तो ये मेन डायगनल हुए, ये कौन से डायगनल हो गए, सेकेंडरी डायगनल, ये हो गए सेकेंडरी डायगनल, ये सेकेंडरी डायगनल है, मेन डायगनल और सेकेंडरी डायगनल, यही मेन डायगनल और सेकेंडरी डायगनल आपके डिटरमिनेंट निकालने के लिए भी काम आते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब इसका एडजॉइंट निकालते हैं तो एडीजे लिखते हैं, एडीजे लिखते हैं, एडीजे आपने मेन डायगनल के एलिमेंट है उनकी जगह चेंज करते हैं। इनकी क्या चेंज करते हैं, जगह चेंज करते हैं, जगह चेंज करनी है, मतलब ऐसा हुआ कि 4 को 1 की जगह ले जाना है, 1 को 4 की जगह लेके आना है। तो इनकी मेन डायगनल के जो नंबर है उनकी जगह चेंज करनी होती है, जो सेकेंडरी डायगनल के जो नंबर है उनकी उनके साइन चेंज करने होते हैं, SIGN साइन चेंज करने हैं, साइन चेंज करने। तो ये आपका एडजॉइंट बन जाता है। तो 2x2 का एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान है। तो इसका एडजॉइंट आ जाएगा आपके पास कैसे, मेन की जगह चेंज करें 4, 1, इसके साइन चेंज करें -2, -3, ये इनका इसका एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट आपके आ गया। एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान है, फिर से याद कर रहा हूं आपको, मेन डायगनल के जो नंबर होंगे इनकी जगह चेंज करनी है, सेकेंडरी के जो नंबर है उनके साइन चेंज करने। तो अभी अगला क्वेश्चन है वो उस तरह के हैं कि जिसमें आपसे ये पूछेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो क्वेश्चन 4 है, तो इसमें पहले जो डिटरमिनेंट है वो भी हमने निकालना सीखा है, डिटरमिनेंट है वो भी हमने निकालना सीखा है और दूसरे भी हमने निकालने सीखे। तो अब हमने करना क्या है, तो डिटरमिनेंट के साथ एडजॉइंट भी निकालना है। ये कॉल आ रही है, इसको रोको यार, अभी कौन सा टाइम है कॉल करने का, चल रही है वीडियो, चल रही है, ठीक है। डिटरमिनेंट भी निकालना है, एडजॉइंट भी निकालना है, 4 है। 4 में क्या करेंगे, डिटरमिनेंट और एडजॉइंट जैसे निकालने है, क्वेश्चन में ले लेता हूं, a = 4, 1, 3, 1 यहां के पास क्वेश्चन है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस तरह आ सकता है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका फार्मूला होता है, कोई भी नंबर हो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दे 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 आपको, तो वो होगा, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ते हैं, a इनवर्स, ये इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय a का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय a का डिटरमिनेंट, इस तरह हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो ये एडजॉइंट हमें चाहिए होगा इसका, और डिटरमिनेंट हमें चाहिए होगा, अगर ये दो दो चीजें मिलती है तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल आता है। अगर b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो b इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ b डिवाइड बाय b का डिटरमिनेंट, करके हम b का इनवर्स निकाल सकते हैं, b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। तो हम इसलिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a ऊपर लिखेंगे, पहले आप डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हम इस मैट्रिक्स की लाइनें सीधी करेंगे। कल मैंने बात की थी ये मेन डायगनल है, ये सेकेंडरी, डिटरमिनेंट में क्या होता था, मेन डायगनल के मेन एलिमेंट आपस में नंबर आपस में मल्टीप्लाई और सेकेंडरी वाले आपस में मल्टीप्लाई, बीच में साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस का साइन। तो ये हो जाएगा आपके पास 4, 1, 3, 1, तो इसका डिटरमिनेंट आपके पास आ जाएगा 4, 1, 4 और -3, 1, 3, तो 4, 1 और 4 -3 क्या आएगा,
ए का डिटरमिनेंट आ जाएगा आपके पास वन, ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया वन, वन के अलावा भी आ सकता है। अगर किसी का डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, ये एक्सक्यूज आ सकता है आपके पास। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आता है तो क्या उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या उसका पॉसिबल है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो अब दूसरी चीज आपने एडजॉइंट चाहिए होगा, आप जहां जीरो नहीं आया तो एडजॉइंट भी निकाल लेंगे। एडजॉइंट अभी निकालना सीखा था हमने, एडजॉइंट में क्या करते हैं इनकी जगह चेंज करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे। तो करते हैं, ये वन था तो वन फोर की जगह चला जाएगा और फोर वन की जगह आ जाएगा, फिर इसके साइन चेंज होंगे माइनस वन और ये हो जाएगा माइनस थ्री, तो ये आपका एडजॉइंट आ जाएगा। ये दो काम आपको मिल गए, तो आप इस फॉर्मूले में पुट करें, इसको इक्वेशन वन दे दें। तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का फॉर्मूला था ऊपर एडजॉइंट होता है, तो एडजॉइंट के जरिए वो पुट करेंगे माइनस वन माइनस थ्री फोर और नीचे वन आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स हो जाएगा। ये वन बाहर करके लिखे या ना लिखे तब भी कोई नहीं होता, अगर कोई नंबर होता तो उसको इधर बाहर लिखते या डिवाइड कर लेते, इस तरह करना होता है। तो ये हो जाएगा वन माइनस वन माइनस थ्री फोर, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया उस मैट्रिक्स का। इसमें बाकी पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह होते हैं, तो आपने खुद कर लिया ट्राई, तो ये आपका होम असाइनमेंट बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के, ठीक हो गया।